दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग कॉमेडी मूवीज के बारे में। हम में से ज्यादातर लोग चाहे किसी भी जॉनर की मूवीज पसंद करते हो, लेकिन कॉमेडी मूवीज को सभी पसंद करते हैं और अच्छे कॉमेडी मूवीज के बारे में सभी जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम 15 ऐसी कॉमेडी मूवीज की बात करने वाले हैं जो कि 2022 में रिलीज होने वाली है। तो लिस्ट को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनहित में जारी, तो लिस्ट में पहली मूवी है जनहित में जारी। ये एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा मूवी है और इस फिल्म को हाल ही में अनाउंस किया गया है, और इस फिल्म का ट्रेलर भी हाल ही में रिलीज हुआ है जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राज सिंधेलिया, और इस फिल्म में लीड रोल में दिखेंगी नुसरत भरूचा। फिल्म में नुसरत भरूचा एक कॉन्डम सेलर के रूप में नजर आएंगी, और इस टॉपिक को इस फिल्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एक लड़की एक नौकरी की तलाश में होती है और अंत में वो एक कॉन्डम सेलर बन जाती है। जहां एक तरफ फिल्म का प्लॉट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, वहीं फिल्म में होने वाली कई सारी कंफ्यूजन आपको पेट पकड़कर हंसने पे मजबूर कर देगी। ये फिल्म 10 जून को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। निकम्मा, निकम्मा भी एक अपकमिंग एक्शन कॉमेडी मूवी है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सबीर खान, और इस फिल्म में लीड रोल में होंगी शिल्पा शेट्टी, अभिमन्यु सशानी, सुनील ग्रोवर। वैसे तो इस फिल्म को 2019 में ही अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन कोविड की वजह से फिल्म काफी डिले हुई है और अब फाइनली ये फिल्म भी रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के भी रिलीज डेट को जून में अनाउंस किया गया है, और 17 जून को ये कॉमेडी मूवी थिएटर में रिलीज होने जा रही है। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा मूवी है। फिल्म में लीड रोल में नजर आ रहे हैं वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर, नीतू कपूर और प्रजक्ता कोहली। साथ ही इस फिल्म में मनीष पॉल भी नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राज मेहता। इस फिल्म की भी अनाउंसमेंट वैसे तो 2020 में ही हो गई थी, लेकिन अब फाइनली ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। फिल्म में एक फैमिली ड्रामा को दिखाया जाएगा जिसमें कपल्स और डिवोर्स को दिखाया जाएगा। साथ ही फिल्म में बहुत सारा कंफ्यूजन दिखाया जाएगा। कहा जा रहा है कि फिल्म में आपको बेहतरीन कॉमेडी देखने को मिलेगी, साथ ही फिल्म में एक अच्छा इमोशन भी देखने को मिलेगा, और ये फिल्म भी 24 जून को रिलीज होने जा रही है। फोन भूत, फोन भूत एक अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगी कटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, ईशान खट्टर और जेकी श्रॉफ। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं गुरमीत सिंह। फिल्म में जहां आपको एक तरफ अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी हॉरर फिल्म भी होगी। इस फिल्म की कहानी आपको काफी इंटरेस्टिंग लग सकती है, साथ ही फिल्म में आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, और ये कॉमेडी ड्रामा मूवी भी आपको 15 जुलाई को देखने को मिलेगी। थैंक गॉड, थैंक गॉड भी एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं इंद्र कुमार, और फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है टी सीरीज। फिल्म में लीड रोल में देखेंगे अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह। इस फिल्म को भी वैसे 2021 में अनाउंस कर दिया गया था, और अब फाइनली ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। जहां फिल्म में आपको एक तरफ अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ फिल्म में आपको एक अच्छा सोशल मैसेज भी देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी एक कपल के ऊपर बेस्ड होगी जो कि सोसाइटी के अंदर बहुत तरह के चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म का भी प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है, और ये फिल्म भी 29 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। लाल सिंह चड्ढा, लाल सिंह चड्ढा भी एक अपकमिंग मूवी है, और ये एक सोशल कॉमेडी मूवी है। फिल्म में लीड रोल में है आमिर खान, करीना कपूर, नागा चैतन्य। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में आपको शाहरुख खान भी कैमियो करते हुए नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं एडवर्ड चंदन, और इस फिल्म की कहानी एक फेमस हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गम के ऊपर बेस्ड है जो कि अपने आप में एक लेजेंडरी मूवी थी। फिल्म में आपको अच्छी कॉमेडी देखने को मिलने वाली है, साथ ही फिल्म के अंदर आपको बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी भी देखने को मिलेगी। हाल ही में इस फिल्म का भी ट्रेलर लॉन्च हुआ है, और अगर आपने फॉरेस्ट गम मूवी को नहीं देखा है तो इस फिल्म को जरूर देखें। ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। रक्षाबंधन एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा मूवी है। वैसे तो इस फिल्म की कहानी एक भाई बहन की कहानी पर बेस्ड है, मगर इस फिल्म में आपको अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी। फिल्म में आपको लीड रोल में दिखेंगे अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, सहीजमीन कौर, दीपिका खन्ना, सादिया खातीब और स्मृति श्रीकांत। इस फिल्म को भी 2021 में अनाउंस कर दिया गया था, और अब फाइनली ये फिल्म भी रिलीज होने जा रही है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आनंद एल रॉय, और फिल्म को प्रोड्यूस करिए जी स्टूडियो। और इस फिल्म में आपको कॉमेडी के साथ साथ एक अच्छी इमोशनल स्टोरी भी देखने को मिलेगी, और ये फिल्म भी 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। थाई मसाज, थाई मसाज एक अच्छी कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म को हाल ही में अनाउंस किया गया है। फिल्म में लीड रोल में दिखेंगे देवेंद्र शर्मा, गजराज राव, राजपाल यादव, और ये भी एक अच्छी और जबरदस्त कॉमेडी मूवी होने वाली है। इस फिल्म की कहानी लीक से हटके होगी। फिल्म की कहानी में दिखाया जाएगा कि एक 70 साल का आदमी थाईलैंड जाना चाहता है, और वहां जाकर उसकी कहानी काफी यूनिक हो जाती है। जहां एक तरफ फिल्म की कहानी आपको काफी पसंद आएगी, वहीं दूसरी तरफ फिल्म का कॉन्सेप्ट भी आपको काफी पसंद आएगा, और ये फिल्म भी 26 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। डार्लिंग्स, डार्लिंग्स एक अपकमिंग मूवी है और एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिस डायरेक्ट कर रहे हैं जमीत केरिन, और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है गौरी खान। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे आलिया भट्ट, शेफाली शाह, विजय वर्मा और ऋषिन मैथ्यू। वैसे तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था, और खबरें हैं कि इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो गई है, और ये फिल्म भी 2022 में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का प्लॉट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, और फिल्म में एक माँ बेटी की कहानी को दिखाया जाएगा, और फिल्म में आपको अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी।
ये फिल्म भी 2022 में रिलीज होती हुई दिखेगी। गोविंदा नाम मेरा। गोविंदा नाम मेरा हाल ही में अनाउंस हुई एक कॉमेडी मूवी है। फिल्म में लीड रोल में है विकी कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर। और इस फिल्म को 2021 में अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन जहां इस फिल्म में पहले वरुण धवन नजर आने वाले थे, बाद में इस फिल्म में विकी कौशल को फाइनल किया गया है। इस फिल्म की कहानी घर वाली और बाहर वाली के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी और इस तरह के कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में पहले कई बार देखे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। इस फिल्म में विकी कौशल एक खास लुक में नजर आ रहे हैं। जहां पहली फिल्म जून में रिलीज होने वाली थी, वहीं इसका रिलीज डेट अभी डिले हो गया है और ये फिल्म भी आपको 2022 में रिलीज होते हुए दिखेगी। डॉक्टर जी। डॉक्टर जी एक अपकमिंग सोशल कॉमेडी ड्रामा मूवी है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनुभूति कश्यप और फिल्म को प्रोड्यूस करी जंगली पिक्चर्स। फिल्म में लीड रोल में देखेंगे आयुष्मान खुराना और रकुलप्रीत सिंह। इसके अलावा शेफाली शाह, सीबा चड्डा भी फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे। फिल्म की अनाउंसमेंट वैसे 2021 में हो गई थी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एक सोशल कॉमेडी ड्रामा मूवी होगी और फिल्म में डॉक्टर्स की लाइफ को दिखाया जाएगा और इस फिल्म में बहुत ही फनी तरीके से सोसाइटी में होने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को दिखाया जाएगा, जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ये फिल्म भी आपको 2022 में रिलीज होते हुए दिखेगी। मिस्टर मम्मी। मिस्टर मम्मी रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा स्टारर एक अपकमिंग कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म को लेके आ रहे हैं शाद अली। हाल ही में ही इस फिल्म के पोस्टर को अनाउंस किया गया था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये भी एक अच्छी कॉमेडी मूवी होने वाली है। वैसे तो इस फिल्म की कहानी एक यूनिक टॉपिक पर बेस्ड होगी, जिससे रिलेटेड शायद ही बॉलीवुड में कोई पहले मूवी बनी होगी, लेकिन इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद ये तय हो गया कि इस तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट भी बॉलीवुड में आने लगे हैं। ये फिल्म भी आपको नवंबर 2022 में रिलीज होते हुए दिखेगी। सर्कस। सर्कस एक अपकमिंग कॉमेडी मूवी है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी और फिल्म को प्रोड्यूस करिए टी सीरीज। फिल्म में लीड रोल में होंगे रणवीर सिंह, जो कि इस फिल्म में डबल रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा पूजा हेगड़े, जैकलिन फर्नांडिस, वरुण शर्मा, सिद्धार्थ यादव, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, ये सभी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। वैसे इनमें से कुछ कास्ट बहुत ही कॉमन होगा, जो कि अक्सर रोहित शेट्टी की फिल्म में नजर आते हैं। ये कॉमेडी मूवी होने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोहित शेट्टी अक्सर अच्छी कॉमेडी मूवी लाते रहते हैं, उसी लिस्ट में ये भी है। हाल ही में इस फिल्म को अनाउंस किया गया है और ये फिल्म इंस्पायर होगा विलियम शेक्सपियर के एक प्ले से, जिसका नाम था द कॉमेडी ऑफ एरर्स। साथ ही साथ इस फिल्म में पहली बार रणवीर सिंह एक डबल रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में आपको एक बहुत अच्छी कहानी और बहुत सारा कंफ्यूजन देखने वाला है और ये फिल्म आपको दिसंबर 2022 में देखने को मिलेगी। वो लड़की है कहाँ। वो लड़की है कहाँ 2022 में आने वाली एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। फिल्म की कहानी एक लेडी पुलिस ऑफिसर एक दूल्हे की कहानी पर बेस्ड होगी और दोनों मिलकर दुल्हन की तलाश में होते हैं। मूवी में लीड रोल में देखेंगे तापसी पन्नू और प्रतीक गांधी, और प्रतीक गांधी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में इस फिल्म में नजर आएंगे, जो कि दूल्हे के लिबास में अपनी दुल्हन को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या सच होता है और क्या झूठ, ये फिल्म में देखने में आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आयशा सैयद। इस फिल्म में आपको अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी और साथ ही इस फिल्म में आपको यूनिक लव स्टोरी भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म भी 2022 में रिलीज होने जा रही है। लिस्ट में आखिरी मूवी है मुंगीलाल रॉक्स। मुंगीलाल रॉक्स एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा मूवी है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शाहिर रंजन। फिल्म में लीड रोल में देखेंगे बोमन ईरानी, अनुपम खेर, जॉनी लीवर, सतीश शाह, और इस फिल्म में भी आपको बहुत ही अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी। वैसे तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट सालों पहले हो गई थी, लेकिन कई कारणों से ये फिल्म डिले रही और अब फाइनली कहा जा रहा है कि ये फिल्म भी 2022 में रिलीज होने जा रही है। तो इस फिल्म में आपको बहुत ही दमदार एक्टर्स दिखने वाले हैं और ये भी एक जबरदस्त कॉमेडी मूवी होने वाली है। तो दोस्तों, इन सभी कॉमेडी मूवीज में से किस कॉमेडी मूवी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।